दोस्त की पेंटिंग। गैफी की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। मैं गैफी का आइडिया लेकर गैफी से भी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी। अरे नहीं, ये तो बहुत ही खराब बनी है। मैं दोबारा बनाती हूँ। अब बनाऊंगी मैं गैफी से भी और भी ज्यादा सुंदर पेंटिंग। ला 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 ला। अरे ये क्या, गैफी की पेंटिंग तो अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करूं? कोशिश करके भी मैं गैफी जितनी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पा रही। अब मेरी पेंटिंग को कौन देखेगा और उसकी तारीफ कौन करेगा? क्या हुआ मटरू? बच्चों, आपको क्या लगता है मटरू को क्या हुआ है? मैडम, गैफी की पेंटिंग ज्यादा अच्छी है, मेरी से तो अच्छी बनी नहीं रही। लेकिन तुम्हारी पेंटिंग भी अच्छी है मटरू। लेकिन मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी नहीं है। मेरी पेंटिंग, सिर्फ मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए। मटरू, मुझे लगता है तुम जलन की भावना को महसूस कर रही हो। जलन? वो कौन सी भावना है और मुझे गैफी से जलन क्यों हो रही है? मटरू, खुशी, उदासी और डर की तरह ही जलन भी एक भावना है जो हमें महसूस होती है जब हमें लगता है कि कोई हमसे बेहतर है या हम वो चाहते हैं जो किसी और के पास होता है। तो ये भावना आ जाती है और ये भावना किसी को भी हो सकती है। पर मैं क्या करूं? मुझे गैफी से जलन हो रही है। मटरू, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें जैसा लग रहा है तुम मुझे वैसा ही खुलकर बता रही हो। मैडम, मैंने ये भी बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि मैंने गैफी की पेंटिंग खराब कर दी और मुझे मिले सबसे अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए स्टार्स। मटरू, ऐसी ड्राइंग बनाकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैडम, मुझे अपने दोस्त के लिए ऐसे सोचना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये जलन की भावना मुझे पसंद नहीं है। मैं बेहतर महसूस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम इसे पहचानना सीखें। और जब हम इस भावना को पहचान लें उसके बाद? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस चीज में बहुत अच्छी हो। मैं पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाने में बहुत अच्छी हूँ। मैंने आज तक बहुत सारी इस्तेमाल में आने वाली चीजें बनाई हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और गैफी किस चीज में अच्छी है? गैफी पेंटिंग में। और चुटकी? चुटकी दौड़ने में, और उसको कोई नहीं हरा सकता। और क्या चुटकी और गैफी तुम्हारी तरह पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके नई चीजें बना लेते हैं? नहीं। इसका मतलब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं और कुछ चीजों में उतने अच्छे नहीं होते। हाँ, जैसे मैं पेंटिंग में। फिर क्या इसका मतलब तुम्हें दुखी होना चाहिए और जलन महसूस करनी चाहिए गैफी से? अब सोच रही हूँ तो लग रहा है कि इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम पेंटिंग में बेहतर नहीं हो सकती। और उसके लिए मैं अपनी दोस्त गैफी की मदद ले सकती हूँ। बहुत अच्छा आइडिया मटरू। जाओ और गैफी की पेंटिंग की तारीफ करो। ये तुम्हारी जलन की भावना को संभालने में मदद करेगा। गैफी, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी बनी है। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह पेंटिंग करना सिखा सकती हो? हाँ जरूर मटरू, मुझे खुशी होगी। थैंक यू गैफी। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह कभी जलन की भावना का सामना करना पड़ा है? इस वीडियो को देखने के बाद जो नए तरीके आपको जलन की भावना को संभालने और बेहतर महसूस करने के लिए मिले, उन्हें अपने दोस्तों और परिवार को भी बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।